आज की वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे और ये भर्ती जो है एनटीपीसी की है, यानी रेलवे डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है रेलवे एनटीपीसी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे एनटीपीसी भर्ती का नोटिफिकेशन 11,558 पदों पर जारी कर दिया है, ठीक है। इसके अनुसार आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है 14 सितंबर से शुरू होगी, ठीक है। और इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी आपकी 13 अक्टूबर रखी गई है, ठीक है। ये संभावित तिथि रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है रेलवे एनटीपीसी कुल जो है 11,558 पदों पर भर्ती करेगी। बाकी यहाँ पे देखिए दिया है रेलवे एनटीपीसी भर्ती का आयोजन 11,558 पदों के लिए किया जाएगा। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए जो है 3,445 पद रखे गए हैं। इसमें जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट के 990 पद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया अकाउंट्स क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए जो है 361 पद हैं। ट्रेन क्लर्क के लिए जो है 72 पद हैं। इसी तरह से जो है ये सभी इसके जो पद हैं उसको डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए जो है 8,113 पद रखे गए हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने देखा वो इंटर लेवल का था, ये जो है ग्रेजुएट लेवल का है। अब इसमें भी देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है उसके लिए इतने पद हैं, बाकी सब इसमें जो है पद डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ये फॉर्म जरूर भरिएगा।